आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सादर, जय सियाराम। तो सबसे पहले तो हम महाराज जी ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो नया साल है वो क्या कुछ ला रहा है और इसका असर ग्रह नक्षत्र और सितारों पर कितना पड़ने वाला है। इस साल की सबसे अच्छी बात हम आपको बताएं, सन 2022 1 जनवरी का जो साल है, पहला साल जैसे प्रारंभ हो रहा है वो दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। शनिवार के साथ में प्रारंभ होने से 3 विशेष लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है कि इस साल की शुरुआत शनिवार से हो रही है और चैत्र का महीना जैसे ही हमारा नया संवत्सर लगेगा उस समय भी साल की शुरुआत शनिवार से हो रही है, ये सबसे प्लस पॉइंट है हमारे लिए। दूसरी बात हम करें, इस साल में जैसे ही साल की शुरुआत करेंगे वो भगवान शिव के प्रदोष काल से शुरू हो रही है। प्रदोष काल का जो समय है वो सभी के लिए उपयुक्त है, धन की वर्षा करेगा और साल में सभी के जीवन में सदैव भगवान की विशेष कृपा बनाए रखेगा। जी, तो जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भारत पे कितना असर डालेंगे? ग्रह नक्षत्रों के अनुसार अगर हम आपसे बात करते हैं तो प्रत्येक राशियों पे प्रत्येक ग्रह, क्यों? क्योंकि 2.5 साल बाद भगवान शनि की जो दिव्य कृपा है वो किन्हीं विशेष राशियों पे, विशेष राशियों के जातक पे उसका प्रभाव डालेंगी और भगवान की, भगवान श्री शनि देवता की कृपा सदैव प्रत्येक भक्त पे बनी रहेगी। जी, तो ग्रहों की स्थिति की बात करें तो नए साल में ग्रहों की स्थिति कैसी देखने को मिलेगी? गृह स्थिति की बात अगर हम आपसे करते हैं तो जीवन में व्यापारिक लोगों के लिए भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा इस साल के उसमें। दूसरी अगर राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। राजनीतिक पार्टियों के दोनों पक्षों में आपसी वाद विवाद भी हो सकते हैं, उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। जीवन में पार्टियाँ बननी बिगड़ने की भी बात तक की आ सकती है, ये भी उतार चढ़ाव हो सकता है। साथ में स्वास्थ्य को लेकर के लोगों के मन में बहुत से शंकाएं उत्पन्न रहेंगी जिससे जीवन में बहुत से नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि साल की शुरुआत शनि से है, शनि की कृपा सब भक्तों पर बने, इसलिए विशेष रूप से साल की शुरुआत का ये अच्छा सहयोग मान सकता है, लेकिन जीवन में उथल पुथल भी बननी रह सकती है ऐसी व्यवस्था के साथ। तो शनि के प्रकोप से किन राशियों को मुक्ति मिलेगी? शनि की जो विशेष आप राशियों की बात कर रहे हैं जिसमें मेष राशि, वृषभ राशि, आपकी कर्क राशि, कुंभ राशि और आपकी मीन राशि, इन जातकों को भी लाभ मिलता रहेगा। जी, तो अब हम महाराज जी से जानते हैं मेष राशि के बारे में कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के जातकों के लिए हम बात करते हैं, मेष राशि के जातक इस वर्ष भगवान की विशेष कृपा उन सभी भक्तों पर बनी रहेगी, लेकिन साथ में एक विशेष चीज का ध्यान रखना है कि वो अपने सामने वाले के प्रति सदैव श्रद्धा का विश्वास रखें, ईमानदारी का विश्वास रखें और साथ में आपसी प्रेम बनाकर रखें। क्यों? क्योंकि वाद विवाद
उनकी बातों से हो सकता है। साथ में शिक्षा की बात, जो विद्यार्थी वर्ग के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ाई को लेकर के बहुत सी शंकाएं जिससे उनका मन पढ़ाई से थोड़ा सा विचलित हो सकता है, लेकिन वो ध्यान मगन होकर के अपनी प्रत्येक शिक्षा को पढ़ाई करेंगे तो उनके जीवन में कल्याण होगा। व्यवसाय वर्ग वालों के लिए ये समय उपयुक्त तो है, लेकिन क्यों, क्योंकि साल की शुरुआत शनि देवता की कृपा से है, तो व्यापार के प्रति अगर सजग रहेंगे, अपने कारोबार को ईमानदारी के साथ में करेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ शनि न्याय के देवता हैं, उनके जीवन में सदैव कल्याण करेंगे। जी, मेष राशि के जो जातक हैं उनकी अगर नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, उनकी नई नौकरी लगेगी या फिर जिन लोग के पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलेगी, क्या संभावना है? देखिए, जैसा मेष राशि के जातकों के लिए बात करती है कि नौकरी ईश्वर की कृपा से उन्हें मिलेंगी, जो नए लोग हैं उन्हें भी, लेकिन अपने पिते, क्योंकि इस साल का जो देवता है वो शनि है और बृहस्पति मंत्री है, तो मंत्री और शनि आपस में अच्छे से रहें, इसके लिए ईमानदारी के साथ में, चाहे शिक्षा के साथ में बात करें, क्योंकि बिना पढ़ाई करे हुए किसी को भी अच्छी नौकरी इस वक्त मिलने वाली नहीं है, और जो भी बच्चे रखे जाएंगे वो भी पढ़े लिखे और एजुकेट बच्चे रखे जाएंगे, इसीलिए इस व्यवस्था को सोच समझ के बच्चे अपने इंटरव्यू को देने जाएं तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों के साथ में जो उनका सक्सेसफुल हो सके, साथ में घर से निकलते समय संभव अगर हो सके दही और चीनी खा के जाएं, जिससे भगवान चाहेगा उनकी नौकरियां अच्छे से लग जाएगी। जी, अगर लगन की बात करें तो मेष राशि के जातक जो भी है तो उनकी शादियां क्या जल्दी हो जाएंगी या कुछ रुकावट आएगी? मेष राशि वालों के जातकों के लिए बात करें, यह समय बहुत अच्छा है, ये विवाह का उनके लिए एक अच्छा संयोग हो सकता है, कोशिश करें विवाह में मेष राशि वाले जातकों के लिए इस बार कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। जी, तो मेष राशि के जातकों को क्या कुछ उपाय और पूजा करनी चाहिए ताकि ये साल शुभ रहे? मेष राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो है भगवान श्री शनि देवता और भगवान श्री भैरव का, अगर वो पूजन भरे प्रेम से करते हैं, भाव के साथ में करते हैं, तो आप देख लीजिएगा उन्हें जीवन में कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं है। अब रुक करते हैं अगली राशि की तरफ, वृष राशि। तो वृष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? वृष राशि के सबसे पहले हम विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे, विद्यार्थियों के लिए समय उपयुक्त है शिक्षा को लेकर, शिक्षा के लिए उनका समय जो है सबसे अच्छा है, वो जिस दिशा में जाना चाहेंगे अपनी कोशिश करेंगे तो कोशिश उनकी भी कभी भी खराब होने वाली नहीं है, जीवन में नकारात्मक ऊर्जा उनकी समाप्त होगी, सकारात्मक उनकी ऊर्जा उन्हें मिलेगी, शिक्षा का समय जो है उनके लिए उपयुक्त है, वो पढ़ाई को लेकर के मन लगा के करें, मैं विश्वास दिलाता हूँ उनका ये समय उपयुक्त रहेगा। और साथ में व्यापारी वर्ग की बात अगर हम करेंगे तो व्यापारी लोगों के लिए भी ये समय उपयुक्त है, इन्हें भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन न्याय के देवता शनिदेव न्याय और ईमानदारी के साथ में अपना कार्य करें तो मैं विश्वास दिलाता हूँ व्यापार में भी कोई रुकावट आने वाली नहीं है। जी, वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? स्वास्थ्य की बात करें तो हल्का फुल्का समय के अनुसार मौसम बदलता रहेगा, मौसम को लेकर के बच्चों को थोड़ी सी तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन बच्चों के माता पिता यदि बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे तो उन्हें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, और व्यापारी वर्गों के लिए भी ये समय उपयुक्त है, उन्हें भी स्वास्थ्य को लेकर के, और छोटी बीमारियां जैसे कि आपका बुखार हो गया, खांसी हो गई, ये इसका कोई बहुत बना, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी आने वाली नहीं है। जी, अब रुक करते हैं अगली राशि की तरफ, मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है नव वर्ष? मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये थोड़ा सा समय जो है कठिन परिस्थितियों से गुजरेगा, उनके लिए थोड़ी सी तकलीफें बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर इन तकलीफों से अगर बचना चाहते हैं तो उन्हें भगवान शनि देवता का पूजन, हनुमान जी का, और अगर संभव हो सके तो भैरोज का पूजन करना प्रारंभ कर दें, मैं विश्वास दिलाता हूं उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा आने वाली नहीं है, लेकिन शनि देवता की पूजा करना मिथुन राशि वाले जातक मत भूलना, क्योंकि शनि देवता पे, शनि की कृपा मिथुन राशि वालों पे बनेगी, कब, जब शनि का उपाय आप करेंगे, शनि की पूजा करेंगे। जी, उपाय तो बता दिया, लेकिन जिन लोगों का लगन रुका हुआ है मिथुन जातकों का, उनको क्या समाधान करना चाहिए, किसकी पूजा करें? उनके लिए अगर संभव अगर हो सके तो कन्याओं के लिए भगवान श्री बृहस्पति देवता की पूजा प्रारंभ कर दें, बृहस्पति देवता की पूजा करने कोशिश करें, भगवान श्री नारायण की प्रतिमा ला के घर में स्थापित करें, प्रतिमा के साथ में अगर संभव हो सके प्रतिमा के साथ में केले का छोटा सा वृक्ष अपने घर में लगाएं और उनकी पूजा करें, बहुत विशाल वृक्ष को बढ़ने ना, पूजा उपरांत जब आपका विवाह हो जाए तो उसे किसी मंदिर में, किसी देवालय में
किसी अच्छे स्थान पे उन्हें स्थान दे दे और भगवान से नारायण से प्रार्थना करें, नारायण भगवान अपना विस्तार लीजिए, क्योंकि वह जब बड़ा होगा तो बड़ा वृक्ष घर में स्थापित नहीं किया जाता है। जी, मिथुन राशि के जातकों के जीवन में संबंध कैसे रहेंगे? संबंध की अगर बात करें तो तालमेल को लेकर के थोड़ी सी मधुरता बनी रहेगी, लेकिन कब, जब आपस में एक दूसरे के प्रति सजग रहेंगे। यदि सजग नहीं रहते हैं तो आपसी तालमेल में मन मुटाव बना रहेगा, इनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इन लोगों को। अब चलते अपनी अगली राशि की तरफ, कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, कर्क राशि वालों जातकों के लिए, खासकर बच्चों और शिक्षा व्यापारियों के लिए व्यात रखना है, अपनी वाणी के द्वारा मधुरता का व्यवहार रखें। यदि मधुर व्यवहार आप नहीं रखते हैं तो आपका व्यापार भी अच्छा नहीं चलेगा व्यापारी वर्गों के लिए, और शिक्षा के प्रति अगर आपसे संबंध अच्छे नहीं होंगे तो शिक्षा में भी मन मुटाव उत्पन्न होता रहेगा, दोस्तों से भी अच्छी नहीं बनेगी, और साथ में अपने टीचर के प्रति भी आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मन मुटाव उत्पन्न होने लगेगा। और व्यापारी वर्गों का विशेष ध्यान है, अपने आए हुए ग्राहकों को, अपने मिले हुए बिजनेस पार्टनर के जो भी लोग हैं उनसे बहुत मधुरता वाला व्यवहार करें, नहीं तो उनकी भाषा के माध्यम से उनके जीवन में कुछ ना कुछ नुकसान होने की संभावना बनती है। जी, कर्क राशि के जातक जो अपनी नौकरी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनको क्या उपाय करने के लिए कहेंगे? इसके लिए विशेष उपाय उनके लिए, अगर संभव हो सके तो रात्रि के समय जब सुबह प्रातःकालीन भोर में सोते के जगते हैं तो नियम अनुसार अगर बन सके, उनके द्वारा अगर संभव हो सके तो भगवान श्री शनि की पूजा करें। शनि की पूजा का उनका जो विशेष फल देगा उसका समय उपयुक्त उस समय रहेगा जब सूर्य नारायण जागृत, तो उससे पहले वो पीपल वृक्ष की पूजा करें, उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और अगर संभव हो सके तो तेल, सरसों का तेल का दीपक, काला तिल, जौ और काली उड़द, ये सूर्य उदित होने से पहले पीपल वृक्ष को समर्पित कर दें। यदि ये जातक करते हैं तो इन जातकों को कभी भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन ये नियम अनुसार ये कार्य नित्य करना है। किसी दिन अगर भूल जाते हैं तो सूर्य अस्त होने के बाद में करें, सूर्य के समय में कदाचित ये जातक ना करें, उनको नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि शनि और सूर्य में 36 का आंकड़ा रहता है, सूर्य देवता आ गए और शनि की पूजा करते उसका कोई भी फल नहीं मिलना, इसलिए आपने देखा होगा मंदिरों में गोधूरी बेला पे ही भगवान को दीपक शनि देवता को जलाया जाता है, इसलिए मानिए और इसको अच्छे से करिए। जी, विवाह के जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, नहीं हो रहा है, जो रुकावट आ रही है उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करें? विवाह के लिए सबसे अच्छी बात है कि ये ना संभव हो सके तो भगवान श्री नारायण की प्रतिमा को स्थापित करें, और साथ में अगर इन जातकों के लिए बन सके तो इन जातकों के लिए सबसे अच्छा है कि गले में हल्दी की गांठ को धारण कर लें, और साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार को चने की दाल और गुड़ एक लोई में, आटे की लोई में बनाकर अपने हाथ से गाय को खिलाएं। यदि गाय खा लेती है तो समझ लीजिए बाधा में कोई, विवाह में कोई भी बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। यदि दो बृहस्पतिवार तक अगर गाय आपके हाथ से चने की दाल और गुड़ नहीं खाती है तो समझ लीजिएगा बृहस्पति आपसे नाराज है और आपके विवाह में यह बाधा उत्पन्न कर रहा है। जी, अब रुक करते अपनी अगली राशि की तरफ, सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये नया साल? सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये समय बहुत उपयुक्त, बहुत अच्छा समय है, उन्हें ईश्वर की कृपा से कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं, लेकिन शनि का स्मरण और वंदन करते रहना है, बृहस्पति देव की आराधना करनी है, हनुमान जी को कदाचित भूलना नहीं है। बच्चों के लिए भी, व्यापारी वर्ग के लिए, बिजनेसमैन वालों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी इस समय उपयुक्त रखना है। क्यों? क्योंकि अपनी वाणी के द्वारा किसी को भी गलत व्यवहार ना करें, नहीं तो परिणाम आपके रोग उत्पन्न होने की संभावना बनती है। जी, सिंह राशि के जातकों का जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा उनको क्या उपाय करने चाहिए? जिन लोगों का इस समय स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है सिंह राशि वालों के, उन जातकों से मेरा विशेष निवेदन है वो भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दे। संभव अगर हो सके तो महामृत्युंजय का उच्चारण कर लें, यदि महामृत्युंजय का उच्चारण नहीं कर पाते तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना प्रारंभ कर दें। अपनी इस उंगली के माध्यम से 11 बार महामृत्युंजय का उच्चारण अपने स्थान से ही बैठ के करें। जितना भगवान शिव का उच्चारण करेंगे वो समस्त ग्रहों से बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि शिव जी ही समस्त ग्रहों को उत्पन्न करते हैं और उनका समय आने पे उनके जीवन में कल्याण भी करते हैं, इसलिए निवेदन है शिव जी की आराधना करना कदाचित ना भूलें सिंह राशि वालों। जी, सिंह राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए क्या कहेंगे? अगर जो भी नकारात्मकता है, मन मुटाव है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? सिंह राशि वालों के लिए हम विशेष बात करेंगे, जिनके विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है उन्हें चाहिए प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन अपने
हाथ से संभव अगर बन सके तो केला दो लेकर के अपने हाथ से गाय को खिलाएं। ये नियम अनुसार कितने दिन तक करना है, 16 बृहस्पतिवार तक अर्थात 4 महीने तक। यदि उन्होंने ये 4 महीने के लिए किया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ उनका 4 महीने के अंतराल में उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। और ईश्वर अगर चाहेगा यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी आएगी तो इन्हीं 4 महीने के अंदर उनका विवाह तय हो जाएगा और तय होने के उपरांत आगे विवाह भी हो जाएगा। जी, और जिन लोगों के जीवन में मधुरता नहीं है और वाद विवाद चलते रहते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? मधुरता के लिए तो सबसे अच्छा समय यह है कि अगर पति पत्नी में आपसी मधुरता नहीं तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन वो खीर बनाए, खीर बना करके माँ भगवती दुर्गा जी को अर्पित करें और अर्पित करने के उपरांत उसी खीर को अपने पति को खाने के लिए दें। जब पति उस खीर को पा ले और उसी में वो भी खाना प्रारंभ कर दें। खीर को बनाने के बाद भोग लगाना कदाचित नहीं भूलना, यदि भूल गए तो मधुरता आने वाली नहीं है। जी, और जिन लोगों को अपने व्यवसाय में नुकसान हो रहा है वो क्या उपाय करें? व्यवसाय में जिनका नुकसान हो रहा है वो अपने कारोबार के प्रति सजग हो जाएं। क्यों? क्योंकि लापरवाही ही उनके जीवन में, क्योंकि सिंह राशि वाले अपने को बड़ा सिंह के समान शेर के समान समझते हैं, इसलिए अभी भी समझ जाओ, अपने व्यवहार में थोड़ा सा सजग हो जाओ। यदि सजग हो जाते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसके उपरांत भी यदि आपको तकलीफ हो रही है तो आप शनि देवता के मंदिर में शाम को जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, धूपबत्ती जलाएं और अगर संभव हो सके तो उड़द की दाल की खिचड़ी बनाएं। खिचड़ी गरीबों को दान करें। गरीब क्यों? क्योंकि खिचड़ी के साथ में उन्हें कुछ भारतीय मुद्रा भी दें जिससे वो गरीब प्रसन्न होंगे और आपकी खिचड़ी को खाएंगे। जब वो खिचड़ी पाएंगे तो आपके जीवन में जो रुकी हुई हैं बाधाएं वो सब जीवन में समाप्त हो जाएंगी। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को क्या कुछ करना चाहिए? कन्या राशि के जातकों के लिए अगर हम बच्चों की बात करें, शिक्षा को लेकर, शिक्षा में बच्चों का मन बहुत अधिक अच्छे से लगेगा। शिक्षा के प्रति उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, पढ़ाई में उनका ध्यान लगेगा। व्यापारी वर्ग के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये थोड़ा सा समय अच्छा भी कह सकते हो, थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आएगा। इसलिए इन दोनों को विशेष रूप से अपनी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है। खासकर घर में जो माताएं हैं उनको, विशेष रूप से माताएं और बहुरानियों को ये समय थोड़ा सा गंभीर रहने की स्थिति को करता है। यदि वो गंभीर नहीं रहती तो उनके जीवन में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए गंभीर रहना बहुत जरूरी है। जी, अगर बात करें परिवार की तो कन्या राशि के जातकों के लिए परिवार में समन्वय स्थापित करना जिस तरह से कठिन हो जाता है कभी कभी, और नकारात्मकता वाद विवाद देखने को मिलते हैं, तो उसका समाधान कैसे हो सकता है? नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका आज के समय में है कि हम परस्पर एक दूसरे से मैत्री कर लें। मैत्री का तात्पर्य है हम दूसरे से प्यार करना प्रारंभ कर दें। यदि हमें कोई वाद विवाद करता है, हमसे कोई मनमुटाव रखता है तो हम उसके प्रति सजग हो जाए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने में किसी न किसी दिन वो व्यक्ति मान ही जाएगा। यदि आपको लगता है हमारे साथ उसके आपसी तालमेल अच्छे नहीं है तो कुछ देर के लिए आप उससे बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल मौन को धारण कर लें। उसकी कोई भी चर्चा अपने किसी भी सगे संबंधियों से ना करें। क्यों? क्योंकि यदि करते हैं तो उनके जीवन में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है जिससे उनके जीवन में कष्ट भी आ सकता है, उसका परिणाम आगे कुछ भी गलत हो सकता है। जी, कन्या राशि के जातकों के जिन लोगों के जीवन में विवाह संबंधित बाधाएं आ रही हैं उनको क्या समाधान करना चाहिए? विवाह के संबंधित बाधा के लिए हमने बहुत अच्छी बात कही है। उनके लिए इस समय हमें ये करना चाहिए कि हमें बृहस्पति देवता के साथ में अगर संभव हो सके तो प्रत्येक पूर्णमासी को, और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं 14 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही, संक्रांति के दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा अपने घर परिवार में बैठ कर अपने परिवार के साथ में करनी चाहिए। और जब तक के विवाह नहीं हो जाता है तब तक वो प्रत्येक पूर्णमासी को भगवान की नारायण की कथा करना प्रारंभ कर दें जिससे उनके विवाह की समस्त बाधाएँ जीवन से दूर हो जाएंगी। अगर संभव हो सके तो आचार्य को बुला करके, किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भगवान की कथा को समर्पण करें। नवग्रह की विधिवत पूर्वक पूजा संपन्न कराएं। पूजा उपरांत तो जो भी कष्ट हैं वो सब भगवान के पास से समाप्त हो जाएंगे और उनके जीवन में विवाह से अच्छा ही कल्याण हो जाएगा। समय लगेगा लेकिन उनका विवाह बहुत शीघ्र हो जाएगा प्रभु के पास से। जी, अब रुक करते हैं अगली राशि की तरफ, तुला राशि। तो तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? तुला राशि के लिए अगर ये समय की बात करें तो तुला राशि वाले जातक समय पे शनि देवता, न्याय के देवता हैं, उन्हें कदाचित ना भूलें और साथ में भगवान श्री हनुमान जी की अर्चना करना ना भूलें। और साथ में अगर संभव हो सके तो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना वंदना करना प्रारंभ कर दें तो हनुमान जी महाराज उन जातकों का सदैव कल्याण करेंगे। तुला राशि के जातक
जीवन में कष्ट को जरूर भोगते हैं, लेकिन उनके जीवन में कभी भी कोई गलत व्यवहार होने वाला नहीं है। कष्ट तो उनके जीवन में चला रहता है, लेकिन क्योंकि न्याय के देवता हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा, उसके अतिरिक्त फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए कर्म में कोई कमी ना रखें, कर्म निरंतर करें, चाहे शिक्षा के प्रति हो, चाहे व्यापार के प्रति हो, चाहे घर में माता पिता सगे संबंधी अपने व्यवहार को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो निरंतर मेहनत करें, कर्म अच्छा रखें, देख लेना फल उन्हें अवश्य मिलेगा। जी, तुला राशि के जातक जो कि अलग अलग जगह निवेश कर रहे हैं, तो उनको कैसा फल मिलेगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? उनको इस समय की बात करते हैं 2022 को, तो सामान्य रहेगा, बहुत अधिक लाभ की बात नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा वो नहीं। लेकिन स्मरण ये रखना है कि हमें जो कार्य करना है बहुत ईमानदारी और सजग पूर्णता के साथ करना है। और वैसे तो तुला राशि वाले सब जानते हैं जातक मैं क्या करता हूँ, सब समझदार हैं आज के समय। जी, और जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उन लोग को क्या उपाय बताएंगे आप? उनके लिए विवाह की बाधा को दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय और सबसे अच्छा उपाय कन्याओं की अगर हम बात करते हैं जिनके विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है, कुमारी कन्याओं को माँ भगवती गौरी का पूजन करना प्रारंभ कर दे। गौरी मैया का पूजन करने से उनके जीवन में सदैव कल्याण होगा, उनका विवाह अति शीघ्र होगा। गौरी पूजन के लिए 14 जनवरी के बाद उपयुक्त समय है, जब विवाह की लगन प्रारंभ होगी उस समय उन्हें चाहिए कि सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने हाथ से चूड़ी कंगा लिपस्टिक ऐसे नाना प्रकार के 16 श्रृंगार हैं वो कम से कम 11 अधिकतम 21 माताओं को श्रृंगार की सामग्री दें और उन्हें आंचल में दें। आंचल में देने के उपरांत उन्हीं से कुछ वापसी ले लें प्रसाद स्वरूप और उसे अपने मस्तक पे जैसे कि अगर बिंदी हो लगा ले, कंघी हो तो उससे बाल को खींच लें। ऐसा करने से और माँ भगवती पार्वती जी जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है उनको नित्य संभव हो सके तो एक गुलाब का फूल अवश्य चढ़ाए। यदि यह संभव नहीं हो सकता है तो उन्हें चाहिए प्रत्येक शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके उनकी पूजा अर्चना वंदना करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ 6 से 7 महीने में उनके विवाह की बात शुरू हो जाएगी। जी, तुला राशि की युवतियों के लिए तो बता दिया, युवक के लिए भी बता दीजिए कि युवकों का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो उनको क्या करना है? युवक की बात आप बहुत अच्छी कह रही हैं। युवक के लिए ये जो समय है बहुत उपयुक्त विवाह के लिए, लेकिन विवाह के लिए उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें भगवान श्री नारायण का पूजन अर्चन और वंदन करना है। क्यों? क्योंकि आज के समय में सभी चाहते हैं हमें ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए, कमाऊ वाली होनी चाहिए, पैसा आने वाली लाने वाली हो, लेकिन माता पिता चाहते हैं रोटी खिलाने वाली हो, भाई बहन चाहते हैं प्यार वाली हो। तो उसके लिए उन जातकों को चाहिए कि वह निरंतर भगवान श्री नारायण की आराधना करें, भगवान विष्णु की अगर पूजा संभव हो सके तो करें, नहीं अगर ये संभव कर पाते हैं निरंतर भगवान नारायण की पूजा तो मंदिर में जा करके 2 क्षण को भगवान को प्रणाम करें, अपने मस्तक पे चंदन हो पीला तो उसका टीका लगा लें, यदि चंदन नहीं है तो हल्दी का निरंतर टीका लगाना शुरू कर दें। मैं विश्वास दिलाता हूँ 4 महीने उपरांत उसकी शादी की बात प्रारंभ हो जाएगी। जी, अब रुक करते हैं अगली राशि की तरफ, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है नववर्ष? वृश्चिक राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों का ये जो समय है सामान्य रहेगा, इसमें ना तो उनके जीवन में उथल पुथल रहेगी और ना ही जीवन में उन्हें किस प्रकार का कष्ट होने वाला है। लेकिन स्मरण रखना है बृहस्पति और शनि का ध्यान रखते हुए प्रत्येक कार्य को करना है, साथ में अपने बड़ों का सम्मान में कोई कमी नहीं रखनी है, छोटों से प्यार करने में कोई कमी नहीं रखनी। यदि वो अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं करेंगे तो उनके जीवन में शायद बाधा उत्पन्न हो सकती है, यदि वो अपनी वाणी को नियंत्रित रखेंगे तो जीवन में उनका कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, शुरुआत अगर उन्हें अच्छी कर दी तो समझ लेना उनका कल्याण हो जाएगा। जी, और विवाह से संबंधित कुछ उपाय? विवाह की बात जो आप कहती हैं, विवाह के लिए अगर हम बात करें तो विवाह के लिए युवतियों के लिए विशेष का ध्यान ये रखना है कि माता संकटा देवी जिसमें पिन्नी खिलाई जाती है, अगर हो सके तो उनकी माता अपने अच्छे समय में 14 जनवरी के बाद में अच्छा शुभ समय का योग बन रहा है उस समय किसी भी शुक्रवार को माता संकटा देवी की पिन्नी की मान्यता मान लें, एक पिन्नी अपने परिवार के साथ अपनी बेटी के साथ में खिलाएं और भगवान माता से प्रार्थना करें मैया से कि मैया इसका विवाह अति शीघ्र हो जाए, इसके जीवन के समस्त संकट समाप्त हो जाएं, उसके लिए वो मन्नत मांग लें। और जो विवाह संपन्न हो, जब विवाह संपन्न होने के तुरंत बाद संकटा देवी की पिन्नी पुनः खिलाएं, देख लेना उनका यह जातक का विवाह अति शीघ्र हो जाएगा। जी, जिन युवकों को नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों के लिए क्या उपाय बताएंगे? इनके लिए विशेष बात का यह ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि आप सभी को भगवान की दिव्य कृपा के फलस्वरूप हनुमान जी महाराज, पंचमी हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन वंदन करें, साथ में प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को हो सके तो सुंदर कांड का पाठ करना कदाचित ना भूलें। क्यों? क्योंकि अगर सुंदर सुंदर चाहते हो अपनी नौकरी में पनौती ना लगे
तो इसके लिए सुंदरकांड प्रारंभ कर दो। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार इन केस कभी छूट जाता है तो उसको अगले शनिवार को या मंगलवार को पूरा कर लो, तो देख लेना आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में कभी कोई बाधा आने वाली नहीं है। रुक करेंगे अगली राशि की तरफ, धनु राशि। धनु राशि के लिए क्या बताएंगे, कैसा है नववर्ष? धनु राशि के जातकों की बात करें, स्वभाव में थोड़ी सी गंभीरता लाएं जिससे उन सभी के जीवन में सदैव कल्याण होगा। गंभीर बनना अत्यावश्यक है। यदि धनु राशि वाले गंभीर नहीं बनेंगे तो उन्हें किसी न किसी वाद विवाद को झेलना पड़ जाएगा और परिणाम आप जानते हैं कि समय ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उन्हें दिक्कत का सामना कर भी सकते हैं। जी, तो धनु राशि के जातक जो कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, 2022 कैसा रहेगा? देखिए, समान स्थिति में रहेगा। बहुत हम प्रॉफिट की भी बात इस समय नहीं कर सकते क्योंकि आप इस समय हालात समझ रहे हैं देश और विदेश के, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी नहीं रह सकते, लेकिन कर्म के अनुसार उन्हें अच्छा मिलेगा, उनके में कोई कमी आने वाली नहीं है। निवेश करें, निवेश का जो भी धन होगा उचित स्थान पर लगाएं। यदि गलत स्थान पर लगाते हैं, यदि व्यवस्था में गलत करते हैं तो परिणाम आप जानती हैं, कुछ भी उनके साथ नुकसान हो सकता है, तो निवेश अच्छे स्थान पर लगाएं तो इनका कल्याण होगा। जी, व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला साल? व्यापारियों के लिए अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छा समय है व्यापारियों के लिए, विशेषकर समय में अच्छा करें, आलस का परित्याग करें। क्यों? क्योंकि आलसी प्रवृत्ति का आदमी हुआ जा रहा है और खासकर इस राशि को लेकर के थोड़ा सा मन में गंभीर भी रहना पड़ेगा। गंभीर नहीं तो जीवन में कष्ट को भोगना पड़ेगा और जीवन में कष्ट भी उन्हें मिल सकता है, इसलिए गंभीर बने और अपने प्रत्येक कार्य को अच्छे ढंग से करें, आलस का परित्याग कर दें, सुबह समय से जगें, भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, वंदना करें, अपने प्रत्येक कार्य को करें, उनके जीवन में कल्याण होगा। जी, अपने जीवन में तरक्की के लिए क्या उपाय करें इस राशि के लोग? तरक्की के लिए अगर व्यस्त अगर हम देखा जब बात करें तो तरक्की के लिए हमें भगवान श्री हनुमान जी की आराधना करें, यदि संभव हो सके तो अपने मुख्य द्वार पे भगवान श्री गणपति जी की स्थापित करें और प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे बजरंग बाण के पाठ करने से जो भी मन में थोड़ा सा भी गंभीर विचार नहीं आ पाता तो ईश्वर की कृपा से हनुमान जी महाराज उन्हें बल देंगे और वो गंभीर बनेंगे, जिससे उनका प्रत्येक कार्य संभव हो सकेगा। हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना अवश्य करें। जी, रुक करते हैं अगली राशि की तरफ, मकर राशि। तो मकर राशि के कैसे रहने वाला है नववर्ष? मकर राशि के जातक की बात करें, मैं स्वयं जितेंद्री जी महाराज आपसे बात कर रहा हूँ, ये वर्ष सभी भक्तों के लिए बहुत अच्छा है। 2022 आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। लाभदायक के साथ में दो चीज़ों का विश्वास मानिए, किसी को धोखा मत दीजिएगा। इस जातक वालों ने अगर किसी को धोखा दिया तो परिणाम अच्छा आने वाला नहीं है। धोखा के साथ में अच्छी बात आपको बताएं तो आप किसी पे अटूट विश्वास न करें। यदि आपने 2022 में विश्वास किया और विश्वास में यदि किसी को कुछ दे दिया तो परिणाम आपको पैसा भी गया, व्यवस्था भी गई और का संबंध भी खराब हो जाएगा, इसलिए विशेष ध्यान रखो मकर राशि वालों। क्यों? क्योंकि मकर राशि हमारी स्वयं की है। जी, तो मकर राशि वालों के लिए सब कुछ अच्छा रहे, सुखमय रहे, तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? उन्हें चाहिए कि भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आराधना करें, भगवान श्री सूर्य नारायण देवता की आराधना करें, और अगर संभव बन सके मकर राशि वाले जातक के लिए जो चांदी के पात्र में कोशिश करें, जल को पिए, संभव हो सके तो चांदी का पात्र, पीतल का पात्र या फिर तांबे के पात्र में भोजन करना प्रारंभ कर दे, लेकिन दूध की वस्तु बने तांबे के पात्र में कदाचित भी ना खाएं, वो विष का कार्य करती हैं। अगर चांदी के पात्र में खाती हैं, अगर होठों से चांदी लगेगी तो शीतलता मिलेगी, शीतलता जब मकर राशि वालों को मिलेगी तो समझ लीजिए उस जातक का सदैव कल्याण होगा। जी, मकर राशि वालों के जीवन में जो भी रुकावटें आ रही है काम को लेके या फिर जीवन में अन्य चीजों को लेके या फिर शादी को लेके, तो उसके लिए क्या उपाय बताएंगे? उसके लिए सबसे सरल तरीका है जातक के लिए कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान श्री नारायण विष्णु जी का पूजन करना है। खासकर हम कन्याओं के लिए बात करेंगे, कन्याओं को चाहिए कि नहाने के स्थान पे एक डिब्बी में हल्दी रख ले, रोजाना जब नहाने जाएं तो उस हल्दी को पानी में मिला ले, उससे वो नहाएं और निरंतर भगवान माँ भगवती दुर्गा जी माता पार्वती जी का पूजन करें, अर्चन करें, और साथ में अगर संभव हो सके तो गुलाब का फूल माता भगवती को समर्पित करें। समर्पित करने के बाद में अगर संभव हो सके तो अपने मोबाइल फोन पे माता पार्वती की तस्वीर को सदैव लगाएं, नित्य माता पार्वती के दर्शन करें, जितनी बार मोबाइल फोन को ओपन करेंगे माँ पार्वती की तस्वीर सामने देखेंगे, माँ को प्रणाम करें, मैं विश्वास दिलाता हूँ अति शीघ्र उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। अब रुक करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के लिए
कैसा रहने वाला है ये साल? कुंभ राशि के लिए जातक के लिए थोड़ा सा गंभीर रहना पड़ेगा इस समय, क्यों? क्योंकि जीवन में उन्हें थोड़ा सा कष्ट भी मिल सकता है, लेकिन कष्ट से बचने के लिए अपने को सामने वाले के प्रति कभी भी झुकने ना दें, क्यों? क्योंकि जीवन में अगर एक बार कोई व्यक्ति टूट गया तो समझ लीजिएगा उसका अच्छा होने वाला नहीं है, इसलिए सामने वाले को कभी भी अपने को कमजोर मत समझिएगा, आप अपनी बात सामने वाले से प्रस्तुत कीजिएगा, देख लीजिएगा आपका कल्याण हो जाएगा। जी, तो जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, नकारात्मकता आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, उनको दूर करने के लिए क्या उपाय करें? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो भगवान श्री शनि देवता की उपासना करें, भगवान श्री शनिदेव की पूजा करें, संभव हो सके तो गोधूरी बेलाग पे जाकर के भगवान शनिदेव की पूजा करें, पीपल वृक्ष पे दीपक जलाएं और विधि पूर्वक पूजन करें, कोशिश करें, मैं एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को भी कहें, ओम प्याम पीम प्रोम सा शनिचराय नमः, इस मंत्र का जप करें, यदि मंत्र थोड़ा सा बड़ा लगता है तो सबसे सरल मंत्र है ओम सम शनिचराय नमः, शनि देवता का मंत्र का जप करें, हो सके तो शनि चालीसा का गान करें, शनि दर्शन के बाद में हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें, बिना हनुमान जी के दर्शन करने वाले के बिना पूजा अधूरी मानेगी, शनि की पूजा के बाद कोई जातक हो उन सभी जातकों को शनि देवता की पूजा के बाद हनुमान जी का पूजन करना, अर्चन करना, वंदन करना, तो ही जीवन में कल्याण होगा। जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ रंग कौन सा है? शुभ रंग की बात करें तो उन्हें अच्छा सा, जैसे कि येलो कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, ऐसे कलरों का वो चयन करें। आजकल मैंने देखा है शनि देव के वस्त्र धारण करके शनिवार के दिन निकलते हैं, तो शनि के वस्त्र को धारण करने से उनका कल्याण होने वाला नहीं है, कलरफुल जितना रहेंगे उतना ही जीवन में भगवान की कृपा होगी, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर के सकारात्मक प्रवेश करेंगे, लेकिन आजकल काला नीला शनि देवता के जैसे धारण कर लेते, शनि देवता का वो कलर है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करो, हनुमान जी को कौन सा कलर पसंद है? ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का वस्त्र व्यक्ति धारण करता है तो समझ लीजिएगा हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर विशेष रूप से बनेगी और शनि उसे कदाचित पदारित करने वाला नहीं है। नौकरी में पदोन्नति और सफलता के लिए क्या करें इस जातक के लोग? इस जातक के लिए सबसे अच्छा है शनि की पूजा करने के बाद गरीबों में दान पुण्य करें, दान पुण्य करने के उपरांत अगर संभव हो सके तो मंदिर के किनारे, आपने देखा होगा बहुत से भिखारी लोग बैठे रहते, बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे सकते, ऐसे किसी एक बालक का रहना खाना पीना उसकी व्यवस्था को अगर करना शुरू कर दे तो देख लेना ऐसे जातक के जीवन में कभी भी नुकसान होने वाला नहीं है। जी, विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय? विवाह के लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान नारायण की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और कुमारी कन्याओं के लिए माता पार्वती की पूजा करना प्रारंभ कर दे, विशेषकर प्रत्येक पूर्णमासी संक्रांति को भगवान का पूजन करें, जिससे उन सभी के जीवन में कल्याण होगा। जी, अब अगली और अंतिम राशि की तरफ बढ़ते हैं, मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साल और क्या कुछ उपाय करें जिससे ये साल उनके लिए बहुत शुभ जाए? मीन राशि के जातकों की बात करते हैं, मीन राशि के प्रत्येक जातक अपने जीवन को अगर बहुत व्यवस्थित ढंग से करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से काम को करना चाहते हैं, शिक्षा के प्रति, विद्यार्थी जीवन में, बड़े अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय के जीवन में, उसके उपरांत घर में माताएं, बहनें और बहुरानी, अगर प्रत्येक चीज़ों को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, उन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और साथ में अपने द्वारा किसी व्यक्ति का तिरस्कार कदाचित ना हो, यदि किसी का एक बार भी आपने तिरस्कार कर दिया वो व्यक्ति बार बार आपको कष्ट देना शुरू कर देगा, कष्ट का कारण ऐसे है कि वो जब आपसे मन मुटाव रखेगा तो वो आपकी लगातार बुराइयां करना शुरू कर देगा और परिणाम आपके जीवन में कुछ भी मंगल होने वाला नहीं है। नकारात्मकता को दूर करने के लिए कोई उपाय, परेशानियों को दूर करने के लिए? नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए सबसे सरल तरीका है, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को टेंशन फ्री रहना है, टेंशन फ्री रहने के लिए हम अपने को व्यस्त रखें, क्यों? क्योंकि आज के समय में टेंशन सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि समय प्रत्येक व्यक्ति के पास खाली रहता है और परिणाम जब प्रत्येक व्यक्ति के पास समय खाली है तो वो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उलझने उत्पन्न होती है, उससे कोई नई दिशा उत्पन्न हो जाती है, नया विचार उत्पन्न हो जाता है जिससे उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। अपने खाली समय में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करें, घर के कार्यों को करें, यदि इन सबसे भी अगर समय मिल जाता है तो भगवान के भजन को, कीर्तन को, सत्संग को करें, फालतू की किसी प्रकार से कोई वाद विवाद ना करें जिससे उसके जीवन में सदैव नकारात्मक ऊर्जा विस्तार लेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत
शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम राशियों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे मानस अमृत सेवा संस्थान के परमाध्यक्ष राम कथा के सदस्य गायक जितेंद्र जी महाराज जी, जिन्होंने हमें 12 राशियों के बारे में बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही है तो किस पूजा पाठ को या उपाय को करके आपके जीवन से ये तमाम दिक्कतें दूर हो सकती है। आशा करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नववर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।